ओम श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पार ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। हे बाबा, हे साईं, आज श्री साईं सचरित्र का अध्याय 41 का पठन होने जा रहा है। हे बाबा, आशीर्वाद दें ये अध्याय हम सब के लिए हितकारी हो, हमारे हृदय में उतरे। आइए शुरू करते हैं अध्याय 41, चित्र की कथा, चिंदियों की चोरी और ज्ञानेश्वरी के पठन की कथा। गत अध्याय में वर्णित घटना के 9 वर्ष पश्चात अली मोहम्मद हेमाडपन से मिले और वह पिछली कथा निम्नलिखित रूप में सुनाई। एक दिन बंबई में घूमते फिरते मैंने एक दुकानदार से बाबा का चित्र खरीदा, उसे फ्रेम कराया और अपने घर यानी मध्य बंबई की बस्ती में लाकर दीवार पर लगा दिया। मुझे बाबा से स्वाभाविक प्रेम था, इसलिए मैं प्रतिदिन उनका श्री दर्शन किया करता था। जब मैंने आपको यानी हेमाडपंत को वह चित्र भेंट किया, उसके 3 माह पूर्व मेरे पैर में सूजन आने के कारण शल्य चिकित्सा भी हुई थी। मैं अपने साले नूर मोहम्मद के यहाँ पड़ा हुआ था, खुद मेरे घर पर 3 माह से ताला लगा था और उस समय वहाँ पर कोई ना था। केवल प्रसिद्ध बाबा अब्दुल रहमान, मौलाना साहेब मोहम्मद हुसैन, साईं बाबा ताजुद्दीन बाबा और अन्य संत चित्रों के रूप में ही वहाँ विराजमान थे, परंतु कालचक्र ने उन्हें भी ना छोड़ा। मैं वहाँ बंबई में बीमार पड़ा हुआ था, तो मेरे घर में उन लोगों यानी फोटो को कष्ट क्यों हो, ऐसा समझ में आता है कि वे भी अवागमन यानी जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं हैं। अन्य चित्रों की गति तो उनके भाग्यानुसार ही हुई, परंतु केवल श्री साईं बाबा का ही चित्र कैसे बच निकला, इसका रहस्य उद्घाटन अभी कोई नहीं कर सका है। इससे श्री साईं बाबा की सर्वव्यापकता और उनकी असीम शक्ति का पता चलता है। कुछ वर्ष पूर्व मुझे मोहम्मद हुसैन थारिया टोपड़ से संत बाबा अब्दुल रहमान का चित्र प्राप्त हुआ था, जिसे मैंने अपने साले नूर मोहम्मद पीर भाई को दे दिया, जो गत 8 वर्षों से उसकी मेज पर पड़ा हुआ था। एक दिन उसकी दृष्टि इस चित्र पर पड़ी, तब उसने उसे फोटोग्राफर के पास ले जाकर उसकी बड़ी फोटो बनवाई और उसकी कापियां अपने कई रिश्तेदारों और मित्रों में वितरित की। उनमें से एक प्रति मुझे भी मिली थी, जिसे मैंने अपने घर की दीवार पर लगा रखा था। नूर मोहम्मद संत अब्दुल रहमान के शिष्य थे। जब संत अब्दुल रहमान साहेब का आम दरबार लगा हुआ था, तभी नूर मोहम्मद उन्हें उनकी वह फोटो भेंट करने हेतु उनके समक्ष उपस्थित हुए। फोटो को देखते ही वे अति क्रोधित हो नूर मोहम्मद को मारने दौड़े तथा उन्हें बाहर निकाल दिया। तब उन्हें बड़ा दुख और निराशा हुई। फिर उन्हें विचार आया कि मैंने इतना रुपया व्यर्थ ही खर्चा किया, जिसका परिणाम अपने गुरु के क्रोध और अप्रसन्नता का कारण बना। उनके लिए गुरु मूर्ति पूजा, उनके गुरु मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इसलिए वे हाथ में फोटो लेकर अपोलो बंदरगाह पहुँचे और एक नाव किराए पर लेकर बीच समुद्र में वह फोटो विसर्जित कराए। नूर मोहम्मद ने अपने सब मित्रों और संबंधियों से भी प्रार्थना कर सब फोटो वापस बुला लिए। कुल 6 फोटो थे और एक मछुए के हाथ से बांद्रा के निकट समुन्द्र में विसर्जित करा दिया। इस समय मैं अपने साले के घर पर ही था, तब नूर मोहम्मद ने मुझसे कहा कि यदि तुम संतों के सब चित्रों को समुद्र में विसर्जित करा दोगे तो तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओगे। यह सुनकर मैंने मैनेजर मिता मेहता को अपने घर पर भेजा और उसके द्वारा घर में लगे हुए सब चित्रों को समुन्द्र में विसर्जित कर दिया। 2 माह पश्चात जब मैं अपने घर वापस लौटा, तो बाबा का चित्र पूर्ववत लगा देखकर मुझे महान आश्चर्य हुआ। मैं समझ ना सका कि मेहता ने अन्य सब चित्र तो निकाल कर विसर्जित कर दिए, पर केवल यही चित्र कैसे बच गया। तब मैंने तुरंत ही उसे निकाल लिया और सोचने लगा कि कहीं मेरे साले की दृष्टि इस चित्र पर पड़ गई तो वह इसकी भी इतिश्री कर देगा।
जब मैं ऐसा विचार कर ही रहा था कि इस चित्र को कौन अच्छी तरह संभाल कर रख सकेगा, तब स्वयं श्री साईं बाबा ने सुझाया कि मौलाना इस्मू मुजावर के पास जाकर उनसे परामर्श करो और उनकी इच्छा अनुसार ही कार्य करो। मैंने मौलाना साहब से भेंट की और सब बातें उन्हें बतलाई। कुछ देर विचार करने के पश्चात वे निर्णय पर पहुँचे कि इस चित्र को यानी आपको हेमाडपंत को ही भेंट करना उचित है, क्योंकि केवल आप ही इसे उत्तम प्रकार से संभालने के लिए सर्वथा सत्पात्र हैं। तब हम दोनों आपके घर आए और उपयुक्त समय पर ही यह चित्र आपको भेंट कर दिया। इस कथा से विदित होता है कि बाबा त्रिक्याल ज्ञानी थे और कितनी कुशलता से समस्या हल कर भक्तों की इच्छाएं पूर्ण किया करते थे। निम्नलिखित कथा इस बात का प्रतीक है कि आध्यात्मिक जिज्ञासुओं पर बाबा किस प्रकार स्नेह रखते तथा किस प्रकार उन्हें कष्ट निवारण कर उन्हें सुख पहुंचाते थे। आइए अगला है चिंदियों की चोरी और ज्ञानेश्वरी का पठन। श्री बीवी देव जो उस समय ढाड़ू के मामलेदार थे, उनको दीर्घकाल से अन्य धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ ज्ञानेश्वरी के पठन की तीव्र इच्छा थी। ज्ञानेश्वरी भागवत गीता पर श्री ज्ञानेश्वर महाराज द्वारा रचित मराठी टीका है। वे भागवत गीता के एक अध्याय का नित्य पाठ करते तथा थोड़ा बहुत अन्य ग्रंथों का भी अध्ययन करते थे, परंतु जब भी वे ज्ञानेश्वरी का पाठ प्रारंभ करते तो उनके समक्ष अनेक बाधाएं उपस्थित हो जाती, जिससे वे पाठ करने से सर्वथा वंचित रह जाया करते थे। 3 मास की छुट्टी लेकर वे शिरडी पधारे और तत्पश्चात वे अपने घर पौड़ में विश्राम करने के लिए भी गए। अन्य ग्रंथ तो वे पढ़ाई करते थे, परंतु जब ज्ञानेश्वरी का पाठ प्रारंभ करते तो नाना प्रकार के कलुषित विचार उन्हें इस प्रकार घेर लेते कि लाचार होकर उसका पठन स्थगित करना पड़ता था। बहुत प्रयत्न करने पर भी जब उनको केवल 2-4 ओवियाँ पढ़ना भी दुष्कर हो गया, तब उन्होंने यह निश्चय किया कि जब दयानिधि श्री साईं ही कृपा करके इस ग्रंथ के पठन की आज्ञा देंगे, तभी उसका श्री गणेश करूँगा। सन 1914 के फरवरी मास में वे सकुटुंब शिरडी पधारे। तभी श्री जोग ने उनसे पूछा कि क्या आप ज्ञानेश्वरी का नित्य पठन करते हैं। श्री देव ने उत्तर दिया कि मेरी इच्छा तो बहुत है, परंतु मैं ऐसा करने में सफलता नहीं पा रहा हूँ। अब तो जब बाबा की आज्ञा होगी तभी प्रारंभ करूँगा। श्री जोग ने सलाह दी कि ग्रंथ की एक प्रति खरीद कर बाबा को भेंट करो और जब वे अपने कर कमलों से स्पर्श कर उसे वापस लौटा दें तब उसका पठन प्रारंभ कर देना। श्री देव ने कहा कि मैं इस प्रणाली को श्रेष्ठ कर नहीं समझता, क्योंकि बाबा तो अंतर्यामी हैं और मेरे हृदय की इच्छा उनसे कैसे गुप्त रह सकती है। क्या वे स्पष्ट शब्दों में आज्ञा देकर मेरी मनोकामना पूर्ण ना करेंगे। श्रीदेव ने जाकर बाबा के दर्शन किए और 1 रुपया दक्षिणा भेंट की। तब बाबा ने उनसे 20 रुपये दक्षिणा और मांगी, जो उन्होंने सहर्ष दे दी। रात्रि के समय श्रीदेव ने बालकराम से भेंट की और उनसे पूछा, आपने किस प्रकार बाबा की भक्ति तथा कृपा प्राप्त की है। बालकराम ने कहा कि मैं दूसरे दिन आरती समाप्त होने के पश्चात आपको पूर्ण वृतांत सुनाऊंगा। दूसरे दिन जब श्री देव साहब दर्शनार्थ मस्जिद में आए तो बाबा ने फिर 20 रुपये दक्षिणा मांगी, जो उन्होंने सहर्ष भेंट कर दी। मस्जिद में भीड़ अधिक होने के कारण वे एक और एकांत में जाकर बैठ गए। बाबा ने उन्हें बुलाकर अपने समीप बैठा लिया। आरती समाप्त होने के पश्चात जब सब लोग अपने घर लौट गए, तब श्री देव ने बालकराम से भेंट कर उनसे उनका पूर्व इतिहास जानने की जिज्ञासा प्रकट की तथा बाबा द्वारा प्राप्त उपदेश और ध्यानादि के संबंध में पूछताछ की। बालकराम इन सब बातों का उत्तर देने ही वाले थे कि इतने में चंदू कोड़ी ने आकर कहा कि श्री देव को बाबा ने याद किया है। जब देव बाबा के पास पहुँचे तो उन्होंने प्रश्न किया कि वे किससे और क्या बातचीत कर रहे थे। श्री देव ने उत्तर दिया कि वे बालकराम से उनकी कीर्ति का गुणगान श्रवण कर रहे थे। तब बाबा ने उनसे पुनः 25 रुपये दक्षिणा मांगी, जो उन्होंने सहर्ष दे दी। फिर बाबा उन्हें भीतर ले गए और अपना आसन ग्रहण करने के पश्चात उन पर दोषारोपण करते हुए कहा कि मेरी अनुमति के बिना तुमने मेरी चिंदियों की चोरी की है। श्री देव ने उत्तर दिया, भगवान जहाँ तक मुझे स्मरण है
मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है, परंतु बाबा कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अच्छी तरह से ढूंढने को कहा, उन्होंने खोज की परंतु कहीं कुछ भी ना पाया। तब बाबा ने क्रोधित होकर कहा कि तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ और कोई नहीं है, तुम ही चोर हो। तुम्हारे बाल तो सफ़ेद हो गए हैं और इतने वृद्ध होकर भी तुम यहाँ चोरी करने आए हो। इसके पश्चात बाबा आपे से बाहर हो गए और उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बुरी तरह से गालियां देने लगे और डांटने लगे। देव शांतिपूर्वक सब कुछ सुनते रहे। वे मार पड़ने की भी आशंका कर रहे थे। फिर एक घंटे के पश्चात ही बाबा ने उनसे वाड़े को लौटने को कहा। वाड़े लौटकर उन्होंने जो कुछ हुआ था उसका पूर्ण विवरण जोग और बालक राम को सुनाया। दोपहर के पश्चात बाबा ने सबके साथ देव को भी बुलाया और कहने लगे कि शायद मेरे शब्दों ने इस वृद्ध को पीड़ा पहुँचाई होगी। इन्होंने चोरी की है और इसे ये स्वीकार नहीं करते हैं। इन्होंने देव से पुनः 12 रुपये दक्षिणा मांगी, जो उन्होंने एकत्र करके सहर्ष भेंट करते हुए उन्हें नमस्कार किया। तब बाबा देव से कहने लगे कि तुम आजकल क्या कर रहे हो। देव ने उत्तर दिया, कुछ भी नहीं। तब बाबा ने कहा, प्रतिदिन पोथी ज्ञानेश्वरी का पाठ किया करो, जाओ वाड़े में बैठ कर क्रमशः नित्य पाठ करो और जो कुछ भी तुम पढ़ो उसका अर्थ दूसरों को प्रेम और भक्ति पूर्वक समझाओ। मैं तो तुम्हें सुनहरा शेला दुपट्टा भेंट देना चाहता हूँ, फिर तुम दूसरों के समीप चिंदियों की आशा से क्यों जाते हो। क्या तुम्हें यह शोभा देता है। पोथी पढ़ने की आज्ञा प्राप्त करके देव अति प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि मुझे इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो गई है और अब मैं आनंदपूर्वक पोथी यानी ज्ञानेश्वरी पढ़ सकूंगा। उन्होंने पुनः साष्टांग नमस्कार किया और कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आपका अबोध शिशु हूँ, मुझे पाठ में सहायता कीजिए। अब उन्हें चिंदू का अर्थ स्पष्टता विदित हो गया था। उन्होंने बालक राम से भी जो कुछ भी पूछा था वह चिंदी स्वरूप था। इन विषयों में बाबा को इस प्रकार का कार्य रुचिकर नहीं था, क्योंकि वह स्वयं प्रत्येक शंका का समाधान करने को सदैव तैयार रहते थे। दूसरों से निरर्थक पूछताछ करना वे अच्छा नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने डांटा और क्रोधित होते हुए देव ने इन शब्दों को बाबा का शुभ आशीर्वाद समझा तथा वे संतुष्ट होकर घर लौट गए। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अनुमति देने के पश्चात भी बाबा शांत नहीं बैठे तथा एक वर्ष के पश्चात वे श्री देव के समीप गए और उनसे प्रगति के विषय में पूछताछ की। 2 अप्रैल सन 1914 गुरुवार को सुबह बाबा ने स्वप्न में देव से पूछा कि क्या तुम्हें पोथी समझ में आई। जब देव ने स्वीकारात्मक उत्तर ना दिया तो बाबा बोले कि अब तुम कब समझोगे। देव की आंखों से टप टप करके अश्रुपात होने लगा और वे रोते हुए बोले कि मैं निश्चयपूर्वक कह रहा हूँ कि हे भगवान, जब तक आपकी कृपा रूपी मेघ वृष्टि नहीं होती तब तक उसका अर्थ समझना मेरे लिए संभव नहीं है और यह पठन तो भार स्वरूप ही है। तब वे बोले कि मेरे सामने मुझे पढ़कर सुनाओ, तुम पढ़ने में अधिक शीघ्रता किया करते हो। फिर पूछने पर उन्होंने अध्यात्म विषयक अंश पढ़ने को कहा। देव पोथी लाने गए और जब उन्होंने नेत्र खोले तो उनकी निद्रा भंग हो गई। अब पाठक स्वयं ही इस बात का अनुमान कर ले कि देव को इस स्वप्न के पश्चात कितना आनंद प्राप्त हुआ होगा। श्री देव अभी सन 1944 जीवित हैं और मुझे गत 4-5 वर्षों के पूर्व उनसे भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जहाँ तक मुझे पता चला है वह यही हैं। वे अभी भी ज्ञानेश्वरी का पाठ किया करते हैं। उनका ज्ञान अगाध और पूर्ण है, यह उनके साईलीला के लेख से स्पष्ट प्रतीत होता है। तारीख 19/10/1944। श्री सद्गुरु साईनाथ प्रणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।